तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। तो हो गई है नए दिन की शुरुआत और आप सबका स्वागत है विजय पहाड़ी के न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30। देख सकते हैं धूप भी नहीं आ रही है, कहीं धूप नहीं आ रही है। उधर से वो पल्ली साइड धूप आ रही है थोड़ा बहुत, क्योंकि वो धार साइड है, तो इस साइड को धूप बिल्कुल नहीं आ रही है। और अभी ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है ना, क्या ही बताएं। मतलब मेरे हाथ जकड़ से गए हैं ठंड में, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और अभी मैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं रेडी होकर कहाँ को निकल रहा हूँ, तो मैं बता दूँ आपको कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से नैल तक। आज का सफ़र नैल गांव तक होगा, क्योंकि यहाँ से वहाँ मुझे जाना है कुछ काम से, क्योंकि वहाँ कोई है शायद जो आयुर्वेदिक दवा देता है। क्या है कि मेरी कमर हो रही है दर्द, मतलब मेरी कमर बहुत सालों से दर्द होती है मेरी कमर पे, जिसके लिए कि मैंने काफ़ी दवाइयों का यूज़ किया लेकिन बस कोई फ़र्क नहीं पड़ा उससे भी। तो अभी यहाँ से जा रहा हूँ मैं नैल की तक, जिससे कि लोग कहते हैं ना कि वहाँ कोई हैबल वो जो आयुर्वेदिक दवा देता है, तो उसके पास जा रहा हूँ दवा लेने के लिए। हमारे गांव से एक दो आदमी और रह रहे हैं और जा रहे हैं, और एक मामा की गाड़ी जा रही है, तो उनके साथ चलता हूँ। और वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं नीचे रोड पर, सड़क पर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलते हैं वहाँ तक और फिर बताते हैं आपको कि आज का सफ़र कैसे व्यतीत होता है। तो इस प्रकार से, और सुबह की ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है ना, क्या ही बताएं। मतलब मेरे हाथ देखो जकड़ गए हैं ठंड से, टोपी वोपी पहननी पड़ रही है, इतनी ठंड हो रही है यार। मतलब क्या ही बताएं यार ठंड में। तो अभी आ चुका हूँ मैं थोड़ा बहुत धूप में, जहाँ पे थोड़ा बहुत धूप आ रखी है, तो धूप में हमें देख सकते हो आप। अभी बड़े सुकून मिला यार धूप में आके। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं, ये है नैल गांव, और यहाँ से आप देख सकते हैं नैल गांव का व्यू देख सकते हैं आप। और जो ये सामने दिख रहा है ये है नैल गांव का राजकीय कॉलेज नैल, और ये देख सकते हैं अभी तक देवपुरी और ये पत्थरकटा। यहाँ से मतलब यहाँ का व्यू कितना औसम लग रहा है, बिल्कुल औसम व्यू दिख रहा है यहाँ का आसपास, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ हम पहुँचे हैं, एक घंटा लगा है पहुँचने में, बट यहाँ अभी अभी धूप आई है, ज़्यादा धूप तो नहीं है लेकिन अभी हल्की हल्की धूप आई है। ठंड तो हद से ज़्यादा हो रहा है भाई, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं, ये है नैल गांव, और यहाँ से आप देख सकते हैं नैल गांव का व्यू देख सकते हैं आप। और जो ये सामने दिख रहा है ये है नैल गांव का राजकीय कॉलेज नैल, और ये देख सकते हैं अभी तक देवपुरी और ये पत्थरकटा। यहाँ से मतलब यहाँ का व्यू कितना औसम लग रहा है, बिल्कुल औसम व्यू दिख रहा है यहाँ का आसपास, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ हम पहुँचे हैं, एक घंटा लगा है पहुँचने में, बट यहाँ अभी अभी धूप आई है, ज़्यादा धूप तो नहीं है लेकिन अभी हल्की हल्की धूप आई है, ठंड तो हद से। तो गाइस हम नैल गांव से आ गए हैं वापस, और अभी मैं घर में हूँ, अभी पहुँचा मैं जस्ट घर में, अभी मतलब जस्ट 2 मिनट हो गए मुझे घर में आए हुए। तो मैं घर में पहुँच चुका हूँ और अभी खाना खाते हैं, क्योंकि दवाई लेने से पहले, जब दवाई लेने गया था तो उससे पहले खाना खाने के लिए मना किया था, जिससे मतलब मैंने खाना नहीं खा रखा था। तो अभी खाना वगैरह खाते हैं, उसके बाद फिर रेस्ट करते हैं भाई, क्योंकि उसने बोला है कुछ दिन तक, 2-3 दिन तक रेस्ट भी रहना पड़ेगा, रेस्ट तो रेस्ट चलेगा, तो अभी रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपको बाद में थोड़ी देर में। तो तब तक आप ब्लॉग को एंजॉय कीजिए आराम से। और भाई जो लोग नए हैं उनसे तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो जरूर आपको जरूर, ये लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मतलब ना ही भूलें आप लोग, बेटर रहेगा। अगर आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे ना, तो आपको तो नए नए कॉमेडियल और आप एंटरटेनमेंट आपको मिलते रहेगा, वीडियो देखने को मिलते रहेगा आप लोगों को। तो चलो गाइस, तब तक
मैं खाना खा लेता हूँ, नाश्ता कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में, ठीक है। तो दोस्तों अभी शाम को मैं जा रहा हूँ घूमने, और आप लोगों को तो न्यूज़ देनी थी मेरे को, तो मैं तो मतलब खुशी से समा रहा हूँ, खुशी से फुल समा पा रहा हूँ, बहुत हैप्पी हूँ मैं, रियली मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ मैं, रियली रियली हैप्पी हूँ मैं तो, क्योंकि मेरा भांजा हो रखा है, तो मैं तो इतना खुश हूँ कि क्या ही बताऊँ यार आप लोगों से, मतलब अपने दिल की फीलिंग क्या ही शेयर करूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो अभी जा रहा हूँ मैं उधर, वो आ रहे हैं ना आधे रास्ते तक, तो लड़के के कपड़े वगैरह थे तो वो लेके जा रहा हूँ मैं उधर, और फिर मिलता हूँ आपको वहाँ पे, दिखाता हूँ आपको अपने भांजे से, मिलाता हूँ, दिखाता हूँ कि यार कैसे आया मेरा भांजा। तो मैंने भी ये कल सुनी थी खबर कि मेरा भांजा हो रखा है, तो कल के ब्लॉग में शूट नहीं कर पाया था, क्योंकि दरअसल क्या था कि मेरा काम था, कहीं मैं कहीं चला गया था, तो जिस कारण मेरा ब्लॉग शूट नहीं हो पाया था, काफ़ी टाइम लग गया था। और आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे ये है, इधर हमारे यहाँ ये रोड है, तो रोड के यहाँ पर क्या बोलते हैं पानी निकलता है, वहाँ परमानेंट पानी है वहाँ पे इस गधेरे में। तो मैं आया हूँ इधर घूमने को, मैंने कहा चलो क्यों ना घूम के भी चलता हूँ, घूम भी लेता हूँ, और इधर से थोड़ा वहाँ भी निकल लेता हूँ, तो उनसे भी थोड़ी मुलाकात हो जाएगी, थोड़ी बहुत मुलाकात उनसे हो जाएगी। तो चलो दिखाते हैं आपको भी अपना भांजा, दिखाता हूँ आपको कि मेरा भांजा कैसा है, तो चलो मिलते हैं फिर वहीं पर, ठीक है। तो दोस्तों ये है मेरा प्यारा सा भांजा, देख सकते हैं आप लोग, ये आप लोगों ने अब तक देखा मेरे भांजे को, क्यूट सा है मेरा भांजा, और अभी तो सो रखा था, फिलहाल अभी तो सो रखा था, फिर जाऊंगा एक दिन, जाऊंगा फुर्सत से जाऊंगा एक दिन वहाँ, तो उस दिन ब्लॉग के माध्यम से बताऊंगा आप लोगों को कि मेरा भांजा कैसा है। और अभी तो जो देखा आप लोगों ने भी देखा अभी तक, वो तो सो रखा था अभी, बट बहुत क्यूट सा है, छोटा है बस, एकदम बहुत ही प्यारा भांजा है। तो गाइस अब आज के ब्लॉग का द एंड भी करते हैं, और फिर टाइम भी हो ही रहा है, और ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है भाई, क्या ही बोलें, ठंड तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना भाई, क्या ही बोलें ठंड को, ठंड तो हद से ज़्यादा ठंड बढ़ गई है, ठंड का कोई फिक्स नहीं है मामला, बगैर स्वेटर और बिना टोपी, बिना टोपी के रहने जा रहा गाँव में, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है गाँव में। तो सॉरी गाइस, अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा भी लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो ना ही भूलें आप लोग, और तो फिर आप लोगों को उसके बाद हम मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो ना है भूलें आप, ज़रूर से ज़रूर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तक वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों तक हमेशा प्रत्येक पर डे नई नई वीडियो आप लोगों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुँचती रहे, और आप लोग वीडियो का इन्जॉय लेते, वीडियो के माध्यम से आप लोग इन्जॉय करते रहिए। तो आप सभी लोगों को मेरा सादा प्रणाम, तो मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।